हमने क्लोज किया था, वी वर ऑन एड्स मैनेजर, पेज लाइक्स की कैंपेन हमने ड्राइव की थी एंगेजमेंट्स में। एक और कैंपेन ड्राइव कर रहे हैं, मुझे जरा इस पे भी इनपुट दीजिएगा कि मुझे अभी सब लोगों की तरफ से व्हेन आई चेक ओवर हियर तो ये काफी बड़ी तादाद है जो कि मिसिंग है, ठीक है। टोटल में से मुझे सिर्फ 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने असाइनमेंट की है, जो फेसबुक कैंपेन ऑडियंस, इससे पहले भी एक ऑडियंस क्रिएट करने की टास्क असाइन किया था तो उसमें भी सब लोग, अक्सर लोग मिसिंग हैं। ये मुझे बताइए कि मिसिंग क्यों है जी, ये समझ ना आने की वजह से मिसिंग है, फिल नहीं कर सके, कर लिया था यहां पब्लिश नहीं कर सके, ये जरा मेरे से शेयर कीजिएगा जरा। जी प्लेटफॉर्म से मुराद, जैसे कि हमने अभी एड्स में लास्ट सेशन में देखा था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम की एक्सप्लोर है, रील्स हैं, फेसबुक की डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो उसको वी कॉल इट प्लेटफॉर्म। जी मैंने वहां पे क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है आपके पास बैकएंड के ऊपर में, आपको वहीं पर अपनी आंसर सेंड करना था, उसमें रिप्लाई करना था। हाँ प्लेसमेंट कह रही है, यू आर राइट। अच्छा कर लिया है तो पब्लिश शुरू करें। नहीं पब्लिश से माना यहाँ नहीं है, पब्लिश से माना ये है कि यहाँ पर शेयर मेरे साथ करें, यानी क्लासरूम में पब्लिश करें। अगर वो कर लिया है आपने तो क्या असाइनमेंट टास्क है ये? इसी कॉपी करके पेस्ट कर दें वहां पे, क्योंकि वहां पे हेड्स बने हुए हैं प्लेसमेंट के। और आप बस जितना कर लिया था उसे कॉपी पेस्ट कर ले। ये डिजाइन और लोगो तो हमने कहीं नहीं कहा आपसे करने को। Vasi, if you are from the Akhuvat side, so are you talk to Akhuvat team? Or agar aap ICT ke end se, so I don't guess ki you are from the ICT end. Agar ICT end se hai, to please mujhe bataiyega, main usko aapko add kar dunga classroom. Okay, ye campaign create kar rahe aur hamari टू यूजफुल कैंपेन्स आज की हैं, एक कन्वर्जन और अभी एक कंसिडरेशन की कैंपेन है जी हमारी।
कंसिडरेशन में एक कैंपेन हमने जनरल एंगेजमेंट की बना ली थी, एक हम लीड जनरेशन की बनाने जा रहे हैं। लीड जनरेशन किसके लिए जी? डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर लेते हैं। अच्छा जी, सो वी आर हेयर और टाइप डिसाइड हो गई और जब लीड जनरेशन में आए तो हमारे पास तीन ऑप्शंस मिल रही हैं जी हमें। लीड जनरेशन में इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर्स और कॉल्स। इंस्टेंट फॉर्म्स अपने रीजन में, जो हमारा रीजन है यहां पे फॉर्म्स एक सामने आ जाते हैं, आप फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, वो फॉर्म आपके सामने अपेयर हो जाता है, यूजर के सामने वो उसको फिल इन करता है। तो अब हमारे अपने रीजन की जो मार्केटिंग है उसमें तो फॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं रहे, जितना एक्सपीरियंस मुझे हुआ इसके साथ में फॉर्म्स के साथ में तो बेनिफिट नहीं हुआ, फॉर्म्स बहुत रेयरली कोई फिल करता है। यहां अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए वो आपको मैसेंजर यूज करेंगे, कॉल्स भी रेयर है हमारे रीजन में, कॉल्स वाला मामला भी रेयर है रिस्पॉन्स करने के लिहाज से। यहां हमारे रीजन में जो सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग वे है लीड जनरेशन में वो मैसेंजर्स है। कॉल्स में होता ये है कि कॉल्स जनरेट होती हैं जी, रीच उसने कहा कि इस प्राइस में जो प्राइस यहां पर उसने $20 बताई है, 63 कॉल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये अमूमन हमारे पास इसका रिस्पांस अच्छा इसलिए नहीं रहता कि लोग फंबल करते हैं कॉल्स के साथ में, क्योंकि वो हमारे पास में हम मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि कॉल्स का हमारे यहाँ रिस्पांस अच्छा नहीं रहता। एक कॉल्स के दफा लोग फंबल करते हैं, इनिशिएट होती है, दरमियान में ड्रॉप हो जाती है, आप बात नहीं कर पाते। फेसबुक उसे काउंट कर लेता है कि जी कॉल जनरेट हुई है, लेकिन वो हमारे तक कॉल थ्रू ही नहीं हुई होती किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे अगर डेस्कटॉप से कॉल इनिशिएट नहीं होती, मोबाइल से इनिशिएट होती है, एक वो यहां से होगी तो कहे जी सॉफ्टवेयर बताएं जिसने कॉल डायल करनी है, वो कॉल सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो उस पर क्लिक हुआ है फर्स्ट टाइम, इसने काउंट कर लिया कि कॉल मैंने इनिशिएट करवा दी है, द टास्क इज डन। अच्छा,
दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कॉल आती है तो वो लेट आवर्स में आती है अक्सर, जब हम एक्टिव ही नहीं होते। जनरली हम तो विलिंग होते हैं ज्यादा से ज्यादा रात को 8 बजे तक कॉल लेने में, 9 बजे तक कॉल लेने में। अक्सर बिजनेसेस जो है वो 6 बजे 6:30 बजे तक बंद होते हैं, तो आपको रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे कॉल लेने वाला कोई नहीं होता, ये आप अपना आराम आप जाया करें। एनी हाउ, तो इस वजह से ये वेस्ट हो जाती है हमारे रीजन में। या तो आप बहुत एक्टिव हो कि भाई मैं किसी भी वक्त कॉल आ जाए और मैं उसको अटेंड कर लूंगा तो फिर तो सक्सेसफुल हो सकता है, वरना ये सक्सेसफुल नहीं होता। फॉर्म्स फिल नहीं करते क्योंकि उसमें समझते हैं कि यदि हमसे कोई हमारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो जो हमारे यहाँ रीजन में सक्सेसफुल रहता है, ये मैं आपको रीजन का वर्ड कई दफा बोला है इंटेंशनली, और इसकी वजह यह है कि रीजन से बात बदल जाती है। आप यूरोप में कर रहे होंगे तो यूरोप में उस रीजन का मिजाज है एक, तो वहां से बात बदल जाएगी। तो ये आपने इस एक बात को जो मेरे कमेंट्स हैं उसको तमाम रीजन्स पे नहीं अप्लाई कर देना, वहां की टेस्टिंग अलग करनी है। फिर आपने प्रोडक्ट प्राइस भी चेंज होता है। हम करते हैं क्रिएट, हम क्रिएट करते हैं फॉर्म्स, फील्ड्स भी हम बताते हैं। मैं उसको आपको मैसेंजर क्रिएट करता हूं तो आपको उससे आप क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे क्रिएट होता है। इनसाइट्स क्या मतलब? इनसाइट्स ही देखेंगे कितने क्रिएट। नहीं, हमारे पास डेटा आता है, मैसेंजर्स में डेटा आता है। तो इसको मैं सक्सेसफुल इसलिए कह रहा हूं मैसेंजर को कि यहां पर डेटा खुद इनिशिएट होके आ जाता है हमारे पास। कॉल्स में तो जो नंबर आपने बताया है बस उस कॉल पे। सो मैसेंजर हमने चूज किया और फिर यहां पर डेली बजट अपना देख लीजिए, बहुत हाई है ये हमारे लिहाज से। 16 लीड्स $5 में है और $3 तक जाए तो लेस देन 10 लीड्स एक्सपेक्टेड है। जरा इस बजट को मैं यहां पे $60 कर देता हूं। यहां पे एक वो कहते हैं वो चेंज दोनों में कंपैरेटिवली दिखाई दे रहा फॉरन के, भाई अगर मैं इतने डॉलर्स लगा रहा हूं तो इतनी लीड्स मुझे कॉल्स या मैसेंजर पे मैसेजेस आ सकते हैं। फॉरन होते हैं लोग करते हैं जी जी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जी। इसलिए वो आपको जो रेंज दे रहा है बहुत 68 से 197 दे रहा है, आपका एड परफॉर्म कैसे कर रहा है। उससे कम भी आ जाएगा तो आपको सीधी आप ही पर बात रहती है कि भाई आपका एड इस काबिल नहीं था कि मैं इसको इस लीड्स लेता ही है, लेकिन अक्सर मिल जाती है, मिनिमम लेवल तो अचीव हो जाता है। ओके जी, प्राइस समझ में आ गई, हमने प्राइस यहां सेट की और ऑडियंस यहां से बता दी है। प्लेसमेंट्स, ये क्वेश्चन करते हुए शायद मैंने वहां पर जब क्वेश्चन आपको लिखा है उसमें क्लासरूम में तो मैंने वहां प्लेटफॉर्म लिख दिया शायद, मुझे याद ऐसा पड़ रहा। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, इट्स कॉल्ड प्लेसमेंट। सी तो प्लेसमेंट यहां भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैसेंजर इनबॉक्स से अगर लाजमी रखना ही है आपने, एक्सप्लोर रखना है, राइट कॉलम में कहा नहीं रखना, वीडियो फीड्स नहीं देनी,
मार्केट प्लेस नहीं देनी, और इसको हमने अच्छा चेक कर लिया था कि, और ये जो चीज है प्लेसमेंट्स, ये भी रीजनली चेंज होती हैं जी। रीजन के इंटरेस्ट या तो हम सर्फिंग करके पढ़ते हैं कि उस रीजन के क्या इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक प्लेसमेंट्स वगैरह को सोचते हैं, और कुछ फेसबुक वगैरह की इंसाइट्स मिल जाती हैं, कुछ हम खुद से टेस्ट एड्स रन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा यार ये वाला एड यहाँ रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छा ये वाला नहीं कर रहा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ऊपर की जी आप मैसेंजर्स यूज कीजिएगा, कॉल्स को उनको ना कीजिएगा, तो हम एक्चुअली 3 एड सेट्स बनाएंगे अगर किसी रीजन को टेस्ट करना है तो, तीनों पे $3-3 का एड चलाएंगे, एक में चूज कर लेंगे मैसेंजर, एक में चूज कर लेंगे कॉल्स, एक में चूज कर लेंगे हम इंस्टेंट फॉर्म्स, तो हमें वो रीजन निकल के आ जाएगा कि इस रीजन में ये रिस्पॉन्स आता है। टेस्ट बेहतर तो ये होता है कि 4 दिन के लिए चले तो सही, कोई रिजल्ट्स का जो रिलायबल रिजल्ट जिसपे फैसला किया जाए वो 4 दिन के बाद ही निकलते हैं, उससे कम पे नहीं निकलते, क्योंकि पहले दिन तो फेसबुक खुद अपने आप को सेटल कर रहा होता है आपकी उस ऑडियंस और उस प्लेसमेंट और आपकी उस नीड्स के ऊपर जो लीड्स आपको देनी है। फर्स्ट तो फेसबुक की अपनी सेल्फ लर्निंग होती है। देखिए मैं आपसे ना फॉर एग्जाम्पल जो भी आप मैं आपको कोई टास्क असाइन करूं और आप उस टास्क के बारे में अजनबी हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यू गैदर द इंफॉर्मेशन अराउंड दैट कॉन्सेप्ट, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है या टास्क मुझे असाइन किया है ये है क्या, इसमें करना क्या है, पहुंचना क्या है, आप उसकी स्टडी करेंगे उसको। उस स्टडी में आपको 4-6 घंटे 8 घंटे, जैसे मैं आपसे कहूंगी कैटरिंग का इंतजाम करना है आपने, अब ठीक है ये कॉमन सी बात है कैटरिंग, लेकिन अब आप इस पर स्टडी करेंगे अच्छा यार कैटरिंग में किन चीजों की टेक केयर की जाती है। एक ये है कि जी सीधे ही कॉल करो जी कैटरिंग वाले को, हाँ जी आप कैटरिंग देते हैं, हाँ जी देता हूँ जी, अच्छा जी आ जाएं जी। तो अच्छा तरीका क्या होगा इसके करने का, पहले आप स्टडी करेंगे कैटरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, बैड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ लोगों को फेस हो रही हैं। जब इसको आप सर्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, आप पूरा एक डेटा निकलेगा, उस डेटा पे आपको पता होगा कि मैंने कैसे क्या चीज किससे डिमांड करनी है। यहाँ पे एक रूल शरीयत ने हमें गाइड किया, जब कोई चीज बाय करनी हो, एक तो एक कॉमन सी चीज है ना, एक मामूली सी चीज जिसकी आप वैल्यू खुद ही नहीं करते, कोई भी वैल्यूड चीज आपने खरीदनी है तो एटलीस्ट 3 शॉप्स को चेक करेंगे, 3 जगह आप चेक करेंगे, तो वो ना आपको फायदा क्या होगा, वो पहला वाला जब आपको वो समझाएगा कि चीज होती क्या है, दूसरा और समझाएगा, तीसरे तक पहुंचते पहुंचते आप अच्छे भले एजुकेटेड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, बल्कि जब आप उसकी दुकान से उठ के पहले वाले के पास से जा रहे होते हैं ना आगे, तो और बातें भी 2 एक्स्ट्रा बता देता है कि तुझ जा रहे हो ऐ चेक कर लेना इस तरह वो आपको, ताकि ये वापस मेरे पास आए तो आपको एक और लाइन भी दिखा देता है वहां पे, तो सो आप 3 लोगों तक मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छी स्टडी हो जाती है। तो हमारे पास अब आप सर्फिंग के दौर में आ गए तो आप सर्फिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एनी हाउ अच्छा ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रोडक्ट के बारे में करना क्या है, तो इस तरह फेसबुक ने भी स्टडी करना है, उसे भी नहीं पता आपकी प्रोडक्ट को लेके, उसने स्टडी चलानी है। यहां पे वही चीजें रहेंगी, बदलेंगी नहीं, ऑडियंस है, प्लेसमेंट्स है और बजट है आपका। नेक्स्ट एड आपने कैसे क्रिएट करना है, इमेज से क्रिएट करना है, किस चीज से, इमेज से करना है तो इमेज बताइए,
कंसिडरेशन के एड में पैसे नहीं होने चाहिए। उमन कंसिडरेशन के एड में पैसे नहीं होने चाहिए। देखिए मैं जो बात प्रैक्टिसेस बता रहा हूं ये प्रैक्टिसेस हैं, लास्ट वर्ड नहीं है। कुछ चीजों में आप खुद देखेंगे आपकी कंसिडरेशन इसी को होती है कि पैसे वो कितने ले रहा है वो कितने ले रहा है। मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको अपनी प्रोडक्ट की खूबियां कंसिडरेशन में बता रहे होते हैं कि ये तैयार हो जाए लेने के लिए। अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कंसिडरेशन में, कन्वर्जन पे पैसे, क्योंकि अगर आप पहले पैसे बता देते हैं तो पैसों को सुन के ही, क्योंकि वो चीज को तो स्टडी किया नहीं, चीज से ताल्लुक बना नहीं, वो वहीं छोड़ देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई आपके इवन जो शख्स ये रेडी के ऊपर में चीजों को सेल कर रहा है वो भी इतना समझदार होता है, आप उससे पैसे पूछते वो तक खा के हो ना, वो पैसे नहीं बता रहा होता आपको, खाओ तो सही ना, खाओ जैसा वो तो ये एक्चुअली इस पे ये तरीका होता है। तो पैसे अमूमन नहीं बताते, लेकिन मैंने अगेन आपसे कहा कि दिस वेरीज विद द प्रोडक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। मैं इस वक्त में अब इन पे फोकस नहीं किए हुआ हूं, कॉल टू एक्शन क्या कहना है, साइन अप, व्हाट्सएप, यहां पे नीचे क्रिएट चैट, तो यहां पे एग्जिस्टिंग चैट्स भी पड़ी हुई है, इनमें से किसी चैट को यूज कर सकते हैं जो पहले से बनी हुई है। जी जी मैसेंजर क्रिएट चैट, इसको नाम यहां पर देते हैं जी, नाम यहां पर आता है, ये वो नाम रहता है वो फिर उसके ना डेट लगी हुई होती है, समझ नहीं आती किस ऐड के लिए थी, तो हम यहां पर चैट आप चाहे ना भी कहें क्योंकि चैट में दिखेगा, तो नाम यहां पे जरूर हमें क्लिक कर लेना है जी, और यहां पे हम लीड जनरेशन ऐसी कोई चीज, वही नाम वो भी हो सकता है जो एग्जैक्ट हमारा कैंपेन का नाम है, वो कॉपी पेस्ट यहां कर लेना कंटेंट में आ जाए। सबसे पहले वेलकम मैसेज, उसको वेलकम मैसेज क्या देना है, तो हाय उसके पास उसका नाम आ जाएगा, प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस सो वी कैन गेट टू नो यू बेटर। अब इसी को इमेज हमने चूज कर लिया था, वो डिजिटल मार्केटिंग का करना था। ये मैंने एक अंदाज से लिखा है और इसको फिर बहुत केयरफुली लिखा जाता है। यहां ऐसी कुछ बात देनी है जिससे वो कर विलिंग हो इसको आंसर करने में, या यहां पे हम अपनी चीज समझा देते हैं उसे,
जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग है, अगर वो अजनबी नई चीज है, नहीं मुझे प्लॉट समझाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अजनबी होती तो मुझे प्लॉट समझाने की जरूरत है। अगर मैं मर्न स्टैक की बात करूं तो मुझे प्लॉट समझानी पड़ेगी यहाँ पर। ओके जी, ये हमारा वेलकम क्वेश्चन आ गया। और फिर अब यहाँ क्वेश्चन, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन पे नॉट नाउ द डिस्क्वालिफिकेशन पे आ गए। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऐड ऑप्शन की, यस और नाउ के, नॉट नाउ के अलावा भी कोई ऑप्शन देनी है आपने तो आप ऐड ऑप्शन कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप इसको इसी को रहने दें, यस ठीक है, जुलाई में नहीं क्योंकि कैंपेन हमारी जुलाई में चल रही होगी तो हम उसके लिहाज से बात कर रहे हैं। अगस्त में या डोंट नो, एक्सेप्ट एनी अदर आंसर, इसके अलावा भी कोई आंसर देता है तो आप ले लें। यहाँ पे ऑर्डर के चेंज करने के चांसेस भी होते हैं हमारे पास में। अब मैंने ऐड क्वेश्चन और करना था, क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज्यादा नहीं रखी जाती, वरना वो दो एक क्वेश्चंस के बाद में अगर बस करो भी क्वेश्चंस बंद करो, आपको जब आप उसको देखेंगे ना अपने रिप्लाईज को तो आपको ये नजर आएंगे दरमियान में रिप्लाईज के, जिसमें वो आपको कह रहा हो जी प्लीज बंद करें जी कौन है जी, ऐसे भी आपको दो चार पांच मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना हो, सिटी हमें अगर जैसे हमें अभी कंसर्न नहीं है सिटी तो आई डोंट गो फॉर दिस सिटी। इस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत हो सकती है ये पता करने के लिए कि इसने ऑनलाइन लेना है कि फिजिकली अटेंड करना है सेशन आपको। अगर मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं तो मुझे इससे फायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा अच्छा यार ये क्वेटा से है, इसको डिस्काउंट ऑफर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कॉस्ट पड़ रही होगी क्वेटा तक पहुंचाने में ज्यादा। तो इस तरह की हम जैसे शिपिंग के साथ फ्री दे रहे होते तो प्रोडक्ट के ऊपर भी हम डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन पता होता है लाहौर में देना है तो मुझे पता है शिपिंग तो यहाँ मेरी जीरो है लाहौर में, तो मैं प्रोडक्ट पे अगर और डिस्काउंट दे देता हूँ उसको 10% तो मेरे लिए ओके है। लेकिन अगर क्वेटा पहुंचाना है मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ तो मैं तो पहले ही 250-300-400 मुझे कॉस्ट कर रहा है, तो फिर मैं 10% वेवर नहीं अफोर्ड नहीं करता। तो इस तरह की बातें डिसाइड हो जाती है इससे मालूम करके। ओके मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, और कोई क्वेश्चन आपको समझ आता है यहां पर यूजर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो आप यहां पे से पूछ सकते हैं। जैसे मुझे यहां पे फोन नंबर चाहिए, अलाउड उसके अपनी किया कि छोड़ नहीं सकता वो आगे नंबर मुझे दे दे, ईमेल में ले लेता हूं अगर जरूरत हो तो, फोन नंबर जरूर ले लेता हूं ताकि मैं कॉल कर सकूं इस तक वापस पहुंच सकूं। तो जो कॉल से मैंने उठाना था ना फायदा,
लीड जनरेशन में कॉल करवानी थी, मैं कॉल नहीं करवाता, मैं यहां से नंबर ले लेता हूं और खुद कॉल कर लेता हूं उसको, ताकि कंफर्म हो कि मैंने कॉल कर ली थी। और जो मैसेंजर है ना, मैसेंजर को फेसबुक ऑटो फिल कर रहा होता है, आपने सिर्फ कंफर्म करना होता है यस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं अक्सर उनको, जैसे फोन नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, वो फेसबुक ऑटो फिल कर देता है, तो वो यूजर को टाइप नहीं करना पड़ता, तो कंफर्म पे क्लिक करना जरा या यस करना आसान रहता है। अदरवाइज उसको खुद फिल कर, इंस्टेंट फॉर्म में होता है, आप उसको फिल करना पड़ता है, इसलिए वो उससे जान बचाता है। ओके जी, वी हैव द कंप्लीशन मैसेज। मुझे बताइएगा जो ऑनलाइन दोस्त हैं वो कॉल टू एक्शन बटन डाउनलोड, व्यू वेबसाइट और कोई ऐसा बटन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इसमें। यहां लिंक बता दें, टेक्स्ट क्या आएगा, यानी कि व्यू वेबसाइट क्या दिया उसको नीचे कंप्लीशन मैसेज में। तो मैंने उसे कहा कि जी आईसीटी ट्रेनिंग्स या लर्न मोर, और यहां पे अपना लिंक दे दी। इसके लिए यहां जो अगर आपने ये फॉर्म फिल करवाना हो तो फिर आपके लिए एक चीज की कंपल्शन होती है, वो ये कि प्राइवेसी पॉलिसी जरूर देनी पड़ती है आपको इसमें। ठीक, आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जरूर होना चाहिए आपका, अगर वो नहीं होगा तो ये वाला काम नहीं चल सकता। तो ये अपनी वेबसाइट पे जहां पे ट्रैफिक को लेके जाना है वहां एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूर बना दें। ओके, यहां पे हमारी हो गई, एडवांस में आ जाइए, यहां पर कंफर्मेशन टू पॉज क्वेश्चन, पॉज और ऑटोमेटेड क्वेश्चन, लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प। अगर वो पॉज कर देता है या कोई रिमाइंडर, कभी होता कोई शुरू हुआ लेकिन छोड़ रहा होता है तो उसको से एक रिमाइंडर दरमियान में ऐड कर दिया, मैसेज बदल सकते हैं आप अपना। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक सेंड एपीआई, यहां पर कुछ मैसेजेस ये खुद भी जनरेट कर देता है अपनी एआई से, वो कई दफा हमारी बात को ड्राइव ही और तरफ कर देते हैं, रेलेवेंसी कम होती है, इसको हम बंद भी कर देते हैं। तो अगर आप बॉदर हो और आपको नजर आए कि यार ये 2-3 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो हम बंद कर देते हैं यहां से। ये बॉदर करता है कभी कभी, ये बिल्कुल उसका जहन बदल देता है। तो ये इसमें यहां पे जो सबसे मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपसे शेयर करनी थी वो ये थी, सेव एंड फिनिश, फिनिश। तो ये हमारी एक टेम्पलेट बन गई, ट्रैकिंग वेबसाइट पे हमने रखी हुई है एंड वी हैव पब्लिश। लीड जनरेशन का जो एड है ये बहुत देर में अप्रूव होता है जी, लीड जनरेशन का एड ये कभी 24 घंटे और इससे ज्यादा भी वक्त ले लेता है, इसलिए जब भी आपने इसको बनाना हो तो ये सोच रखिएगा, क्योंकि ये मैनुअल चेक होता है आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, जरा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये टाइम ज्यादा लेता है, 24 घंटे तो आम तौर पे ले ही लेता है। जी पैसे ऐड नहीं लगेंगे, वो फिर बाद में एरर दे देगा आपको अगर वहां से। हाँ, कर सकते हैं, नाम बदल लीजिएगा कॉफी करते हुए।
तो ये उसने कहा जी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ताकि वो काम में ना लगे, और यहाँ पे आके हमने इसको कैंपेन को क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हमने समझी है वो फॉर्म कैसे क्रिएट होता है इसको समझा है। ओके जी, बताइएगा क्वेश्चंस आपके हैं यहां तक। जी सर, मुझे ये वाला जो थोड़ा सा है ना कंसेप्ट, ये अगर मैं आप मतलब सामने आपसे आके ये डिस्कस कर सकती हूँ किसी टाइम पे, मतलब लैपटॉप पे आपके सामने बैठ के एक दफा क्रिएट करके देखूं ये एड, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज ना ब्रेक होकर पहुंची। आप सर कोई टाइम ऐसा मतलब मुझे मिल सकता है कि मैं ये फेसबुक एड जो क्रिएट करना है और ये कैंपेन्स जो आप क्रिएट करें ये आपके आपके सामने बैठ के ये प्रैक्टिकल करके देख सकूं? मैं देखता हूं इसको किस वक्त में कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है। थैंक यू सर, क्योंकि सर ऑनलाइन देख तो रही हूं लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है, मैं कह रही हूँ जब तक प्रैक्टिकल सामने ना बैठ के ये करूँ आपको। सही, थैंक यू सर। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको देख लूंगा कि किस वक्त में पॉसिबल है ये करना। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि सर समझ मुझे आ रही है कि ऑडियंस वगैरह करना है लेकिन प्रैक्टिकली उसको वहां पे फेसबुक पे बनाना वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। सही सही, ऑब्वियसली हो सकता है ऐसा। जी अनदर टाइप ऑफ कैंपेन, हम रिपीटेडली, जैसे आपका भी क्वेश्चन था, रिपीटेडली हम कर ही इस प्रोसेस को इसलिए रहे हैं क्योंकि वी हैव अ बिग ऑडियंस विद अस, तो इतनी दफा एक चीज रिपीट हो जाए कि हर एक शख्स कर सकता हो, इतना उसको याद हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैसेंजर पहली पहली दफा सब चीज मुश्किल मालूम होती है। दोबारा कोल्ड ऑडियंस होती है, उसके लिए हमने कोल्ड ऑडियंस बनाया। जिस तक हम ही पहुंचे हैं, जैसे कोल्ड कॉलिंग होती है ना, ऐसे लोगों को कॉल करना जिनके तारुफ नहीं है, बस उनको एक। ओके, ये हमारे पास लास्ट में ये थ्री टाइप्स मौजूद हैं कन्वर्जन में। एक है कन्वर्जन्स जो मोस्टली हम यूज करते हैं आप प्रोडक्ट की बाइंग वगैरह के लिए, कैटलॉग पे सेल्स, अगर आपने हमने कैटलॉग्स बनाई हुई हो बिजनेस में तो कैटलॉग्स पर सेल्स, एंड द स्टोर ट्रैफिक, ये फिजिकल स्टोर ट्रैफिक है जी।
हमारे पास में हम शॉप्स में ये कैटलॉग्स जो है ये जिस वक्त में ई कॉमर्स हमारी कंप्लीट होगी साइट, तो इंशाल्लाह वहां पे कैटलॉग बनेगी तो वो कैटलॉग दिखेगी। अल्लाह का बंदा। अच्छा जी, कैटलॉग एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुआ, एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट और ये एक इतनी अप्रिशिएटेबल चीज है। समटाइम्स हम जैसे साथ वाले दो चार लोग होते हैं मुस्कुरा देते हैं, अच्छा भाई तो क्लैरिटी, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होने की वजह से मेरा पूरा लेक्चर समटाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ उसको और बाकी चीज भी समझ जाती, क्योंकि वो समझ नहीं आई थी। कैटलॉग वो जनरली जो हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह की बुक होती है उसे कैटलॉग कहते हैं। अक्सर जो कंपनीज है वो अपनी कैटलॉग बना लेती हैं कि जी हमारी ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी ब्रांड्स हैं उनकी जरूर कैटलॉग बनती है आज, तो उसे कैटलॉग कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या करता है, वो आपकी प्रोडक्ट्स की ना कैटलॉग बना देता है, तो हम 1, 2, 3, 4 कैटलॉग्स बना लेते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, जो हमारे ऑनलाइन स्टोर होते हैं उसकी प्रोडक्ट्स की कैटलॉग्स बना लेते हैं, तो फिर उनके ऊपर में सेल्स की वो कैंपेन चलाते हैं कन्वर्जन की। यानी एक तो ये ना कि मैं अपनी एक प्रोडक्ट दिखाऊं उस पर कन्वर्जन लूं, ये पहली वाली कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये है। कैटलॉग वाला कॉन्सेप्ट ये कि यार मेरे पास अब 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 पे मैंने सेल्स उठानी है, तो मैं फिर कैटलॉग दिखाता हूं मैं उस पर। कितना आप एड्स देखेंगे कुछ कंपनीज के, उनमें वो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं वो कैटलॉग, तो उसमें ये होता है कि इंस्टेड ऑफ जी मैं 10 इमेजेस खुद बनाऊं और फिर वो उनका कैरोसेल चलाऊं, तो मैं कैटलॉग ही कनेक्ट कर देता हूं और कैटलॉग से ही मुझे वो खुद ही से पिक करता रहता है। क्लोथिंग भी हो सकती है, आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स में भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस सेल कर रहे हैं आप, तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ग्लासेस वो हो सकते हैं। आप एसी सेल कर रहे हैं, एसी में भी कैटलॉग हो सकती है इसकी छोटी वेरिएंट्स के साथ में, जो बस कैटलॉग बनाते हुए ये ख्याल रखते हैं कि वन टाइप को टारगेट हो, ऑडियंस की वेरिएशन ना आ जाए उसमें। यानी एक उसमें जो कैटलॉग में एक चीज है वो किसी और ऑडियंस की है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लोथिंग में बात कर लें तो एक कैटलॉग में आपने मेल फीमेल इकट्ठे कर दिए, ये कैटलॉग अलग अलग बनाए, वो नहीं बन सकती, बनाने को तो कुछ भी बना दें बन जाएगी, लेकिन आपको आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ऑडियंस दिखाने किसे है ये, और फिर सेल्स लेना, क्योंकि हमारी इन सारी कैंपेन्स और सारी प्रैक्टिसिंग का एंड रिजल्ट क्लाइंट को चाहिए सेल्स, वरना आपकी सारी बातें कितनी भी अच्छी हो, मैं एक महीने से आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बातें कितनी भी अच्छी हो आप खुश होकर सुन जरूर लेंगे, लेकिन आज सर सेल्स कितनी हुई। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द अल्टीमेट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट साइड। आपका आपने कोई एफर्ट नहीं किया पूरे महीने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सेल्स आपने दे दी है, क्लाइंट को इससे कंसर्न नहीं है आपने क्या एक्टिविटी की थी, आपने फेसबुक पे एक पोस्ट नहीं लगाई, सेल्स आपने महीने पे दे दी, क्लाइंट को सिर्फ सेल्स से गर्ज है, उसको इससे नहीं है आपने क्या कुछ किया। प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है क्लाइंट के नजदीक, प्रोसेस हमारे नजदीक इंपॉर्टेंट होता है टू अचीव दी सेल्स। ओके, तो ये स्टोर ट्रैफिक है जी, लास्ट ये फिजिकल स्टोर ट्रैफिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका एक फीचर है कि आपके फिजिकल स्टोर पे भी ट्रैफिक दे देते हैं। ये वो जो आपको कभी पिंग आती है ना, अगर आपने अपनी लोकेशन एक्टिव की हुई होती है तो फिर आपको वो बताता है फेसबुक के यार नियर बाय में ये है, वो स्टोर ट्रैफिक वहां से जनरेट करते हैं, आप जहां होते हैं वहां के, जैसे भी फेसबुक ने कहा जी वाईफाई आप फेसबुक के पेज से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो ट्रैफिक को फिर आपकी तरफ, जैसे आप एम्पोरियम में एंटर हुए, अब मैंने अपना वाईफाई एक्टिवेट किया हुआ है कंपनी का, तो वो फॉर्म कनेक्ट हो जाएगा उससे और मुझे वो दिखाएगा यार यहाँ पे ना वो फला स्टोर भी है, और उसमें वो फिर रिलेट भी करता है कि वो रात को नहीं आप देख रहे थे चीजें वो यहाँ स्टोर में है,
वो स्टोर रिलेट कर देता है, इस तरह की चीजें भी होती है। आपकी जो सर्फिंग होती है उसको और आपके यानी इंटरेस्ट को आपके उठाकर और स्टोर से मैच करके दिखा देता है, ये बड़ा अच्छा है। कन्वर्जन हमने प्रैक्टिस ये की कि हमने यहीं से नाम बताकर आगे चलते रहे हैं हमेशा। किस चीज की कन्वर्जन लेनी है हमने, हमारे पास में है चलो जी शॉर्ट्स कर लें। सब चला रहे हैं जून ट्रेडिंग चला रहे हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं वो नीचे आई गेस यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज कुछ कैंपेन्स में ये यहाँ पे आपको मौका देता है कि यू कैन स्केड्यूल योर एड्स फॉर स्पेसिफिक आवर्स एंड डेज ऑफ द वीक। तो अगर कोई आपसे कहे कि जी ऐसा भी होता है तो ये टाइप ऑफ कैंपेन्स है जिनमें होता है, कन्वर्जन में हमें नहीं दे रहा वो। ये कन्वर्जन में वो ज्यादा कंट्रोल अपने पास रखता है क्योंकि यहाँ पे अब आपने टास्क ही दिया कि मुझे सेल्स चाहिए, वही जो क्लाइंट जैसे कहता है मुझे सेल्स चाहिए, मुझे गर्ज नहीं है आपने क्या किया, तो यहाँ वो कंट्रोल अपने पास ज्यादा रखता है, आपको नहीं देता। एंगेज कंसिडरेशन में आपको कंट्रोल दे देता है। तो आप लाइफ टाइम बजट देखे उसको, और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर इसको ट्राई करूँ मुख्तलिफ वेरिएशन को, आप डेली बजट पे आपको नहीं दे रहा, आप लाइफ टाइम बजट देके देख लें। तो अब कन्वर्जन पे मुमकिन है जी कन्वर्जन पे भी देता है वो जी, लाइफ टाइम बजट पे देता है। तो ये हमें क्रॉस चेक करना होता है, ये जैसे मैं यहां कर ही लेते हैं हम इसको लाइफ टाइम बजट कम कर लेते हैं, भी हैरान है के। अच्छा अब उसने इसको एक्टिवेट कर दिया हमें, रन एड्स ऑन स्केड्यूल लाइफ टाइम बजट में। बिड स्ट्रेटजी ऑप्शंस हाईएस्ट वॉल्यूम ठीक है। अब वो बेड कैप हमने एक्टिवेट कर दी, तो इज इट क्लियर जी, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट हमें बन गया। लेकिन इसमें अभी भी उसने हमें उसने हमें सिर्फ ऑन तो करने दिया है उसको स्केड्यूल, लेकिन स्केड्यूलिंग करने नहीं दी। वरना हम ये बता पाते हैं कि किस वक्त में कब चलो। अच्छा जी कन्वर्जन करवानी कहाँ पे, आपने ऐप पे करवानी है, वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे करवानी है, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, क्या कन्वर्जन है आपकी? व्हाट्सएप पे के व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए आपको,
व्हाट्सएप कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। इसमें जो सक्सेसफुल रहती है वो यही रहती है। चूज एन इवेंट, कन्वर्जन मानेंगे किस पे आप, कन्वर्जन होगी आप किस बात पे मानेंगे। हमने कहा जी अगर वो हमें एड टू कार्ट कर लेता है ना तो हम मानेंगे कि जी उसने कन्वर्जन हो गई। उसने कहा यार ये आपकी iOS सपोर्टेड नहीं है तो वाले जो होंगे ना वो ट्रैक नहीं होंगे। तुमने ओके ठीक है पता चल गया हमें। ऑडियंस और बाकी सब चीजें वैसे ही हैं, सिर्फ यहाँ पर ये हमारे पास में कन्वर्जन में उसने ये पूछ लिया कि कन्वर्जन आपने करवानी कहाँ पे, वेबसाइट पे करवानी है, ऐप पे करवानी है। या दोनों पे है। अच्छा कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे, अब आप ये इन पे हमें पॉइंट कर रहा है कि यार आपकी कोई वाली जो 14.5 जो iOS का वर्जन है लेटेस्ट उसकी वो ट्रैक नहीं होगी। नहीं आप इनमें से चूज तो कर लेंगे तो यहां से मैं चूज कर लिया कन्वर्जन में, ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेबसाइट वाली। नेक्स्ट मैनुअल अपलोड कैटलॉग यहां पे इनेबल नहीं, कैटलॉग के लिए कैटलॉग वाले से आएंगे आप। डेस्टिनेशन ट्रैफिक की वेबसाइट हमारी वेबसाइट की यूआरएल बता दें। हमने कहा जी हमारी वेबसाइट की यूआरएल ये है। यहां से क्या कहा जी यूआरएल कैन नॉट बी यूज्ड द यूआरएल यू एंटर्ड पेज उठा के खुद ले आया, हमने मीडिया नहीं दिया था उसे। डिस्प्ले लिंक ऑब्वियसली जो शॉर्टेड लिंक आपने दिखाना है वहां पे वो दे सकते हैं। Show call extension on your website. तो हमारा नंबर अगर आपने नंबर फीड इन किया हुआ है और कनेक्टेड है तो वो उस नंबर को उठा लेगा और उस पर आपको ये वो तरीका होता है कि हम कह रहे हैं कि यार वेबसाइट पे नहीं भेजना, हमें इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे भिजवा दो। इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या, हम एक खास पेज फास्ट लोडिंग पेज बना के दे देते हैं इसको, एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाकर इसलिए उसने कहा कि टेम्पलेट बता दें। वो टेम्पलेट कौन सी होगी ये खुद से वो बना के जाके सोशल मीडिया में लर्न वेब डेवलपमेंट विद आईसीटी ये खुद उसने क्रिएट कर ली हमारे लिए, वहां पे ट्रैफिक को ले जाएगा। इसमें मोस्टली हम इसको यूज नहीं कर रहे होते, वेबसाइट पे ही ट्रैफिक ले जा रहे होते हैं।
अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे अक्सर आपसे भी कह रहा हूँ, हम अक्सर वहां पे ले जा रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन रीजन एंड डिपेंडिंग ऑफ टाइप ऑफ कैंपेन्स यू मोस्टली जंप इन। देखिए दो तरह की प्रोडक्ट्स में, ट्रेनिंग्स प्लस द क्लोथिंग एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, आई डू एक्सपीरियंस मोस्ट इन सच प्रोडक्ट्स। फर्नीचर सेल करना है, अब उसकी एक्सपीरियंसेस अलग रन लर्न किए जाएंगे, प्रैक्टिसेस यही हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट को स्टडी किया जाता है, उस पर मेहनत अलग होती है, उस पर वक्त लगता है, हर एक कैंपेन के ऊपर में किसको करें, मुख्तलिफ चीजों को। हमेशा ऐसा नहीं है कि जी मुझे एक कैंपेन रन करनी आती है तो मैं हर कैंपेन नहीं उसके अकॉर्डिंगली चला दूं, ऐसा नहीं हो सकता। और जो ऐसा करता है वो सिर्फ एक हिडन ट्रायल वाली बात ये है कि बस एक चांस लेता है, हो जाए ना हुआ तो वो गारंटी नहीं कर सकता। इसलिए प्रोसेस क्या होता है, आपने हमेशा खुद भी और अगर क्लाइंट आगे समझदार है तो उसको भी एजुकेट करते हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास ऑन फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस, और ये महंगा प्रोसेस होगा, लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और ये महंगा प्रोसेस होगा, वो मैं भी दिखाता हूं आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कैंपेन। या हम उसका जी फेसबुक के किसी इवेंट पे ले जाए, और यहां पे कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। डेस्टिनेशन वेबसाइट है, वो पहले चूज करके आए थे, पीछे से उसने यहां पे लिंक पूछ लिया। और यहां अपना मीडिया बता दें चीज का, वेबसाइट की यूआरएल खत्म हो गई, अगर आपने नहीं बतानी तो खुद से उठा लेता है वहां से उस पेज पे, अगर पहले से कुछ चीज बनी हुई है। यहां तक कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज फरमाइएगा जी। जब कन्वर्जन की कैंपेन्स चलाते हैं, कन्वर्जन की कैंपेन्स जब चलाते हैं तो यू यानी द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग इज यू मस्ट हैव अ लैंडिंग पेज। जब कन्वर्जन की कैंपेन्स चलानी हो तो आपके पास लैंडिंग पेज जरूर होना चाहिए। इसकी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए लैंडिंग पेज किसे कहते हैं, लैंडिंग पेज इसे कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट कन्वर्जन किस पे चाह रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक पेज हो जहां पे उस प्रोडक्ट की सारी बात हो रही हो, इसे लैंडिंग पेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यहां पे ट्रेनिंग्स की उस पर आपको समर कैंप का दिया था, ये लैंडिंग पेज है, समर कैंप फॉर्म आ गया। सिर्फ स्पेसिफिक एक प्रोग्राम जो आप ऑफर कर रहे हैं उसका पेज, उसका पेज है ये। फिर सर आप इससे ही जो यूआरएल मोड में कॉपी कर देंगे, ये इसमें तो फिर क्योंकि समर कैंप में वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन, अब मेन क्या है समर कैंप हमने सेल करना है। समर कैंप में अब आपके चार ऑप्शंस हैं, चार रंग हैं, इनमें से कोई रंग ले लें, ये सेंस है। ये क्लाइंट के लिए हमारे ये एग्जैक्टली सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड है, मैट्रेसेस सुपर किंग साइज, किंग साइज, डबल बेड, सिंगल बेड, एक ही चीज को पिस बात की है। ऑब्जेक्टिव यहां पे होता है कन्वर्जन में कि सोच को डाइवर्ट ना होने दो, फिर क्योंकि हमने कैंपेन रन की है, और कितनी आप सोचिए अवेयरनेस, कंसिडरेशन और फिर कन्वर्जन, यहां तक हमने जहन साजी की है एक प्रोडक्ट के लिए, यहां लाके उसे कंफ्यूज कर दें। यानी कन्वर्जन में हम लिखते हैं ICT-trainings.com, जो वहां ट्रेनिंग्स की साइट पे मेन पे लैंड करेगा वहां तो उसको 20 चीजें नजर आएंगी, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज होने में आमतौर पर परचेज नहीं होती, तो उसे खास एक ही चीज पे लेके जाओ। तो लैंडिंग पेज हमारे पास होना चाहिए।
और लैंडिंग पेजेस कैसे बनते हैं इंशाल्लाह इस पे हम जंप करने जा रहे हैं। वर्डप्रेस में हम एक जगह देख लेंगे और बाकी फिर तुम जिंदगी में करते ही रहोगे। अच्छा, ये काम हमारा है नहीं, ये हमारे डेवलपर्स का काम होता है। डिजिटल एजेंसी भी जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास में फिर डेवलपर्स होते हैं जो ये काम करके देते हैं हमें। बड़ी एजेंसी हो जाती है तो हम अपना हायर कर लेते हैं ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाए तो, और थोड़ा और तो हम आउटसोर्स करते हुए किसी को साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि मेरे छोटे छोटे काम आएंगे डेवलपमेंट के, वो आपने कर देख लेते हैं। तो यहां पूरी जहन साजी सिर्फ उस एक प्रोडक्ट की गिर्द है और कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड होगी जी चीज, सिंगल पेजर ही है, वेस्ट पे बन जाता है। हो जाती है, अप्लाई हो जाएगी। सर वो तो फिर कुछ लोग होते हैं ना जो डोमेन के बगैर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो पिक्सेल बना लेते हैं, फ्री में जो बन जाती है। नहीं, वो तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनती है। जब तक आपने बिजनेस अगर करना है तो आप यू मस्ट हैव अ डोमेन नेम, प्रॉपर डोमेन के साथ में चलेंगे। अच्छा जी, बताइएगा यहां तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन आपका। कन्वर्जन कैंपेन हमने बताई और उसमें कहा कि कोई एक जो वेबसाइट जब आपने बतानी तो यू मस्ट हैव अ लैंडिंग पेज जहां पे वो डायरेक्ट करे। लैंडिंग पेज में आपने ख्याल रखना है इस इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाली बात का जो हमने यहाँ पे कहा, फास्ट लोडिंग हो वो पेज, बहुत स्लो डाउन ना हो। यानी आप ये कर देंगे जी इमेजेस तो बहुत जबरदस्त आपने लगा दिए और वो इमेजेस पावरफुल नहीं, यानी हैवी हैं, तो पेज ही लोड नहीं हो रहा। तो ये केयर करनी है हमने जो फास्ट लोडिंग हो, उसकी पेज की स्पीड टेस्ट वगैरह करके अच्छी स्पीड पर वो हो। ये वो हमारी, आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि मैं इनको कैंपेन्स को रिमूव कर रहा हूं। जी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी कर सकते हैं। सलाम जी, जी फरमाएं। ये जो सिंगल पेजर वेबसाइट हम बनाते हैं इसमें और लैंडिंग पेज में फर्क है या इसको हम लैंडिंग पेज में डिस्कस करते हैं? लैंडिंग पेज और वेबसाइट या वेब पेज में फर्क सिर्फ ये होता है कि वेबसाइट मोस्टली कवरिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कवर कर रही होती है और जो हमारी लैंडिंग पेज होता है ये एक प्रोडक्ट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है और ये वेब पेज ही होता है। वो आप सिंगल पेजर हो ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल पेजर हो, मल्टी पेजर भी हो सकती है। जैसे मैंने आज से ट्रेनिंग्स पे आपको दिखाया कि समर कैंप का हमने लैंडिंग पेज अलग बना लिया ताकि वहां पे हम ऑडियंस को हैंडल कर सकें, क्योंकि ये शर्त नहीं है कि आप वो हो सिर्फ उस पर कुछ और ना हो। लेकिन ये भी बिजनेस का एक स्टाइल है, ये वाला स्टाइल भी बिजनेस का एक स्टाइल है
जिनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होती, वो एक एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट लैंडिंग पेजेस बना लेते हैं। इसलिए मेरी सुननी थी, मैंने तीन से यही सुनाई थी कि वेबसाइट क्या होती है और लैंडिंग पेज क्या होता है, जब आप गुफ्तगु कर रहे थे। देखिए वेबसाइट, वेब पेज और लैंडिंग पेज ये एक ही चीज होती है। वेबसाइट तब कहते हैं जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो, तो उसे वेबसाइट कह देते हैं, अदरवाइज वो वेब पेज होता है। वो वेब पेज अगर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हो तो वो लैंडिंग पेज करा देता है, और अगर मल्टीपल चीजों की बात कर रहा हो तो हम कहते हैं जी वेबसाइट है। नहीं, ये देखे ना, ये नीचे यही लेते जा रहा है। ये पेज सिर्फ इसी को कवर कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स पे दे रहे हैं ना, ये आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पूरी वेबसाइट है, हमने यहीं पे ये लैंडिंग पेज बना दिया इस कस्टमर कैंप का। यहां हम सिर्फ इस पेज पे ऊपर को ना देखिए मेन्यू को, इस पेज पे क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट। अक्सर हम ये भी कर देते हैं, ठीक है जी, अक्सर हम ये भी कर देते हैं, ये भी खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म कर देते हैं, यानी उसकी सोच में कोई और बात आए ना। क्लियर हो गई बात? समटाइम्स हम ये कर देते हैं कि ऊपर का मेन्यू भी खत्म कर दें, हाइड कर दें, बॉटम फुटर भी खत्म कर दें, बस अपनी उसी की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दें, बस दैट इज ऑल। और वहीं पे वो सेल के लिए बाय नाउ और वो कार्ट और सारी बातें बस उसकी करते हैं। तो बस आपने लैंडिंग पेज जहां पे आप ट्रैफिक को लैंड करवाना चाहते हैं और वहां से आप कन्वर्जन ले सकें, वो लैंडिंग पेज है, कॉन्सेप्ट है। लैंडिंग पेज हर वो पेज है जहां आप अपनी ट्रैफिक को लैंड करवाते हैं और वहां कन्वर्जन हो सके। यानी इट इज नॉट समथिंग कि जी अब जैसे आप ये कहें सर ये तो लैंडिंग पेज हुआ ही नहीं ना, इस पे तो आपने यहाँ ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ एक्सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लैंडिंग पेज का हुआ, चार चीजों का जिक्र कर रहे हैं आप। तो अब मैंने इसको आंसर क्या किया कि वी आर फोकसिंग ऑन समर कैंप। ये इसी तरह से जैसे एक शर्ट के चार कलर्स, यहां मैं खास K-12 वाले लोगों को लेकर आया हूं, यानी जो स्कूल के लोग हैं मैं उनको यहां लेकर आया हूं, और मैंने यहां उनको बस दिखाई चीजें कि यार तुम्हारे बच्चों के लिए चीजें इनमें से चूज कर लो, तुम यहां ना जाओ माइक्रोसॉफ्ट पे सिस्को पे, तुम्हें यहां नहीं जाने की जरूरत, तुम यहां जाओ, तुम्हारे बच्चों के लिए यहां चीज मौजूद है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द लैंडिंग पेज फॉर समर कैंप K-12। सिखा दिया तो वर्डप्रेस में पेज बनेगा तो कंटेंट आपने ही बनाना है और पेज बनाना हम सीख लेंगे वर्डप्रेस में से। अच्छा जी मुझे बताइएगा आप यहां तक क्वेश्चंस। अच्छा जी फिर हम यहां पर आइए, जरा ये कैंपेन देखिए, ये एक सैंपल कैंपेन, अच्छा ये दो कैंपेन्स ये हैं और दो ये हैं और
अच्छा जी, वो कैंपेन्स हमने टेस्ट कैंपेन्स रन कर रिमूव कर दी और यहाँ पर एक जी फरमाइए। देखिए फॉर बिजनेस इसलिए तो जरूरी नहीं है कि जी वो होनी चाहिए, वो जरूरी इसलिए होती है कि जब आपने काम लेना है किसी क्लाइंट से तो वो आपको अपनी प्रेजेंस होनी जरूरी है। ठीक है जी, इसलिए आपकी प्रेजेंस नहीं है तो वो आपको काम दे, ये जरा मुश्किल बात होती है कि प्रेजेंस के बगैर आपको काम मिले। जी उसे आप बना लीजिए, अगर वो बेहतर तो ये है, नहीं बनाना हो तो फिर रास्ता ये होता है कि तो सुनो भाई, अगर नहीं बनानी हो अपनी तो फिर किसी से मर्जर करते हैं, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ में मर्जर करते हैं। मर्जर करने का तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक शख्स ने मर्जर किया इन नॉर्वे, उसने कहा यार ओके ठीक है, यू हैव अ बिजनेस, आपकी वेबसाइट है और सब कुछ, यू आर लिस्टेड इन अ मार्केट, तो मैं आपके साथ में मैं क्लाइंट्स मैं ड्राइव करूंगा और मैं आपको मुझे आप उसमें से 20% मुझे दे दीजिएगा, 80% इज योर्स, कोई काम भी आपने करना है। ये एक तरीका होता है, यहां काम हमने करना है और उसने मर्जर, इसी को वाइस वर्सा भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव योर प्रेजेंस, अब एक कंपनी है, अब उसको बेनिफिट क्या मिला, हमारे पास में हम पिछले 15 साल से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग उसे जीरो इन्वेस्टमेंट पे मिल गई, वरना उसका तो पोर्टफोलियो नहीं था तो वो काम कैसे ले। तो ये तरीका होता है, एक तरीका ये होता है कि जी मैंने काम करना है, मैं आपके नेम को यूज करके क्लाइंट्स लूंगा और मैं काम करूंगा तो मैं आपको 20% दे दूंगा, 80% इज माइन, काम मैंने करना है, सब कुछ मैं करूंगा लेकिन मैं आपका नाम इस्तेमाल करूंगा। इस तरह का तरीका होता है, फिर इसमें ये वाला एक मॉडल है, इस तरह का मर्जर करते हैं, उसमें उनको बेनिफिट रहता है कि ये अब मुझे एफर्टलेस 20% मिल रहे हैं प्रोजेक्ट के, तो व्हाट्स बैड। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि जैसे जो कंपनीज अपना नाम इंपॉर्टेंट रखती हैं और उनका नाम बन गया होता है, वो ये कहती है कि यार QA हमारी साइड से होगा, यानी ये नहीं कि आप कुछ भी काम डिलीवर कर देंगे, क्वालिटी अश्योर वो हमारी साइड से होगी, हम आपकी क्वालिटी को चेक करेंगे, आपका जो काम होगा आप डायरेक्ट डिलीवर नहीं कर सकते, वो आपको हमें दिखाना होगा, हम उसके क्वालिफाई करेंगे तो आपने करना है। इस तरह से मर्जर्स कर लेते हैं और ये जो सक्सेस का तरीका है ना, रास्ता, इस वक्त दुनिया में बड़ी कंपनीज मर्जर के साथ चल रही हैं, सोलो वाला मिजाज अब खत्म हो गया दुनिया से, सोलो वाला बिजनेस करता है बहुत छोटा, जो मर्जर्स करते हैं ये करते हैं बिजनेस बड़े, क्योंकि एक शख्स सारी डोमेन्स में एक्सपर्टीज नहीं कर ले सकता,
तो इसलिए मर्जर्स पे इस बेस्ट सक्सेसफुल मॉडल ये है कि यू डू दी मर्जर्स, आप दोस्तों के साथ लोगों के साथ में मर्जर्स करें मैक्सिमम, काम ज्यादा आएगा, काम ज्यादा होगा, पैसे खुद ही बन जाएंगे, काम ही नहीं होगा तो पैसे क्या बनेंगे जी, मैं सोलो ही करना है जी, बस सारा काम मेरा ही होना चाहिए, कब्जा पूरे बिजनेस पे मेरा ही हो, तो जब वो आएगा तो फिर देखेंगे कब आएगा और कितना आएगा। जैसे मैंने आपसे शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि वन ऑफ माई फ्रेंड वो क्या करते हैं, वो ब्लॉगिंग में काम करते हैं, व्हाट ही डज इज वो कहता है कि जी अच्छा ठीक है एक ब्लॉग मैं आपके साथ बनवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, I'm doing the free trainings और 20% में उसका चार्ज करूंगा आपसे। अब उसने कितने सारे हाथ तैयार कर लिए, एक ये कि वो क्योंकि हर वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट होती है, अब वो खुद तो नहीं, खुद कितनी वेबसाइट से दो कर लेगा, तीन कर लेगा, अब उसने क्या किया, अब उसने 20 लोगों को तैयार किया, 20 लोग 20 वेबसाइट चला रहे हैं, हर वेबसाइट का 20% आ रहा है, 400% आ गया उसको, वो 400% कमा रहा है बाय जस्ट गिविंग फ्री ट्रेनिंग। अदरवाइज के लिए मैं क्यों सिखाऊं, तो दिस इज द वे ऑफ, अभी बहुत अच्छा डिफरेंट मॉडल है, खुद करके हम कितना कर सकते हैं, तो इसलिए आप ये जरा इस तरह से सोच बनाइए, आपको जो स्किल सेट आ गया है वो आप दूसरों से शेयर करें, सिखाएं, उनको मर्जर करें उनके साथ। ओके, यहां मैं आपको एड दिखा रहा हूं, ये कैंपेन है, ये टेस्टिंग के लिए बनी है, इसमें कितने एड सेट्स हैं जी, 5। एक कैंपेन है, इट हैज 5 एड सेट्स and under each हर एक के अंडर 4 एड्स हैं। फिर मैं एक चूज कर लेता हूं यहां से ताकि आपको दिखा सकूं, दो है, तो अब ये कितना सारा काम होगा, ये टेस्टिंग का एड है जो बातें आपसे मैंने की कि एक कैंपेन में फिर फर्दर 5 एड सेट होने के माना क्या है, मैं डिफरेंट ऑडियंस और प्लेसमेंट्स को चेक कर रहा हूं, और फिर हर एक इस ऑडियंस के साथ मैंने फिर इसको 2 एड दिखाए, इन 2 एड्स में मैं अपने क्रिएटिव्स को और अपने उसको एड कॉपी को टेस्ट कर रहा हूं कि इस ऑडियंस को अगर ये वाला एड दिखाया जाए तो कैसे बिहेव करती है। तो इससे फिर हमारे लिए हम क्या करते हैं, हम बेस्ट क्रिएटिव और बेस्ट ऑडियंस और प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, जब कैंपेन रन होती है ना तो इनके रिजल्ट्स को स्टडी करके फिर जो बेस्ट निकलता है उसको दोनों को मिला के हम एक कैंपेन बना लेते हैं, वो हमारी विनिंग कैंपेन होती है। कभी पहली दफा में ही निकल आता है, कभी दूसरी दफा, तीसरी दफा, हर दफा आपकी ये कॉस्ट। अब 5 एड सेट्स $5 पर डे पे चल रहे हैं, ये इट मींस ये हमें कॉस्ट करेगा $100 4 दिन की कैंपेन, तो इससे कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। अगर कोई फ्रूटफुल निकल आए तो जैसे वो कभी वो क्रिकेट की आपने वो देखते हो वर्ल्ड कप, तो ना देखा करें, तमाशाई बनना पसंद नहीं है। तो अब आपने करना क्या है उसमें कि जी वो पहले जी ये सारी टीमें आप खेलेंगी, फिर इनमें से कुछ क्वार्टर में चली जाएंगी, कुछ फिर सेमीफाइनल में चली जाएंगी, फिर कोई फाइनल में आएंगी, ये सिमिलरली यही वाली पूरी गेम यहां आ रही होती है। अभी तो फिर मैंने आपसे कहा कि 4 ऐड नहीं चलाए हुए, पर तो 4-4 नहीं चले हुए, 2-2 ऐड चले हुए, इन 5 × 2 जो ये हमारे 20 तकरीबन, सॉरी 10 ऐड्स हो गए हमारे,
फाइव कैंपेन एंड टू एड्स, तो 10 एड्स पे भी हम देख रहे हैं इसको। तो ये इस तरह से आपको क्वालिफाई करवाना होता है, ये तरीका है उसका। एड्स, वी आर डन विद द एड्स, लेकिन अभी हमारे पास में कुछ चीज, फेसबुक एड्स हमने कंप्लीट किया और इंस्टाग्राम एड्स इन पैरेलल इसके साथ कंप्लीट हो गए। हमें और सीखना है। कल में एक आपके साथ सीखने की चीज है कंटेंट स्ट्रेटजी, इंस्टाग्राम और फेसबुक कंटेंट स्ट्रेटजी। कल इंशाल्लाह हम उसको सीखेंगे और हैशटैग स्ट्रेटजी को सीखेंगे इंशाल्लाह। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजी और हैशटैग स्ट्रेटजी, ये दो इंशाल्लाह कल के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। एंड अगर हम उम्मीद है हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर पाएंगे और फिर ऑन वेनसडे वी जंप ऑन ई कॉमर्स। इंस्टाग्राम के लिए पॉसिबली शायद कल देखेंगे कहां तक बात पहुंचती है, कहां तक हम समझ पाते हैं। इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा वक्त शायद हमें स्पेयर करना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में दो बातें हैं, एक कंटेंट पब्लिश वहां करना, किस तरह का कंटेंट पब्लिश करते हैं, वो कंटेंट स्ट्रेटजी भी कवर होता है, और दूसरा एड्स हैं, वो एड्स फेसबुक एड्स के साथ कवर होते हैं। कुछ मिजाज प्लेटफॉर्म का हमने डिस्कस करना होता है, तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह कैसे होगा। आपकी क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो प्लीज फरमाइए। 8:13 बिल्कुल इसलिए हिल रहे हो ज्यादा। अच्छा जी, ओके, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।